आप सभी लोग देखते होंगे कि जब भी हमारे देश में कहीं चुनाव होता है, फिर चाहे आपकी विधानसभा चुनाव हो या फिर आप देखिए लोकसभा के चुनाव हो, नेताओं का आप देखिए उस समय जिस समय चुनाव नज़दीक आता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना स्वाभाविक सी बात रहती है। आप देखिए उन्हें जहाँ फायदा दिखता है वो उस पार्टी की तरफ चले जाते हैं। और इसी कड़ी में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से एक नाम आ रहा है, इमरान मसूद का। अब आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि इमरान मसूद कोई बड़ा नाम नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कांग्रेस के लिए इमरान मसूद अच्छा बड़ा नाम ही है। और इसीलिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है इन्हें। और कहते हैं ना कि आप देखिए अब किसी के पास कहीं बड़े नेता ना हो तो उनके लिए छोटा नेता भी बड़ा ही होता है। तो एक सामान्य जानकारी आपको दे देता हूं कि इमरान मसूद कौन है। और आपको बता दूं मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, इन पर एक टिप्पणी की थी इन्होंने, उस समय भी आप देखेंगे देश भर में ये चर्चा में आ चुके थे, सुर्खियों में आ चुके थे। और वैसे अपनी जिंदगी में अगर बात करें तो एक ही चुनाव जीत पाए हैं, उसके बाद इन्हें चुनाव में हर चुनाव में लगभग हार का सामना करना पड़ रहा है। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और एक बार पहले आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। और देखिए ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। और वैसे उत्तर प्रदेश को आपको बताऊं तो राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली की सत्ता है इसकी गली एक तरह से आप कहिए सीढ़ियां कहिए उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और ऐसा क्यों जाती है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखिए लोकसभा में आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो इसीलिए राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और वैसे अभी आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की स्थापना की अगर आपसे कभी देखिए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया था। और आप सभी देखते होंगे कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, लखनऊ इसकी राजधानी है। ठीक है, अब चलिए इस नेता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि कहां कहां से इन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है। तो देख लीजिए यह इमरान मसूद और ये कांग्रेस छोड़कर सापा में शामिल हो रहे हैं। और इनका नाम इमरान मसूद है और 21 अप्रैल 1971 में इनका गंगोह उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये 1971 वही डेट है जब आप सभी जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और उसमें नया एक देश उभर के आया था बांग्लादेश। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। और कई लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी काफी एक तरह से बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री थी, लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उनसे टक्कर लेने का पाकिस्तान को भुगतान भी करना पड़ा था, दो टुकड़े कर दिए थे उन्होंने। और पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल रहे हैं, 2007 से लेकर 2021-22 तक ये कांग्रेस में रहे हैं और हाल ही में सापा में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब सापा के हो गए हैं इमरान मसूद। और इनके अगर हम लोग राजनीति की बात करें तो आपको बताऊं कि 2007 में इन्होंने मुजफ्फराबाद के विधायक के रूप में कार्य किया और जहां उन्होंने 3683 मतों के अंतर से जगदीश सिंह राणा को हराया था और पहली बार ये विधायक बने थे। फिर आप सभी जानते हैं कि 2012 में विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में और 2012 की विधानसभा चुनाव नागपुर से लड़े और भाजपा के डॉक्टर धर्म सिंह सोनी ने से 4564 मतों के अंतर से हार गए। यानी कि पहली बार विधायक बन जाते हैं, दूसरी बार इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप देखिए 2014 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे जिस समय आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की काफी तगड़ी हवा चल रही थी। तो ये सहारनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और भाजपा के राघव लखन पाल के खिलाफ लड़ा और 50,000 से अधिक मतों के यानी कि वोटों के अंतर से ये चुनाव हार जाते हैं। यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। फिर आप सभी जानते हैं कि 2017 में भी उत्तर प्रदेश में आपके विधानसभा चुनाव हुए थे और इसमें आप देखेंगे कि एक बार फिर से ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और डॉक्टर धर्म सिंह सोनी से नागपुर की विधानसभा सीट से फिर हार जाते हैं। यानी कि 2017 में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव हुए और इसमें भी इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी ने सहारनपुर से टिकट दिया लोकसभा सदस्य का, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इस बार भी तीसरे स्थान पर रहते हैं और ये चुनाव हार जाते हैं।
और इस सीट पर आपको बता दूं कि भाजपा के हाजी फजूर ए रहमान की जीत हुई थी और भाजपा के राघव लखन दूसरे स्थान पर रहे थे। और अभी तक वो आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। इसलिए लगा रहा हूं कि जैसे जैसे ही आप सभी जानते हैं कि किसी और पार्टी में शामिल होंगे अपने सभी पद त्याग देंगे, ठीक है। और इनके विवाद की बात करें, इस विवाद के कारण काफी एक तरह से क्या रहे थे चर्चा में, इमरान मसूद 2014 में अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में आए थे और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मोदी की वोटी वोटी काट लेने वाले बयान दिया था और इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था, तो इस कारण भी ये काफी चर्चा में आए थे। तो फिलहाल इनकी कहानी यही है कि अपनी जिंदगी में एक ही विधानसभा चुनाव जीत पाए हैं, उसके बाद इन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है। अब क्या होता है, इन्हें आगे का क्या सफर रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए आप लोग बात करते रहिए, किसी ने कहा था कि इनके बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए काफी चर्चा में बने हुए हैं। वैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कोई इतना बड़ी बात नहीं है, फिर भी लगा कि बता देना चाहिए अगर आप में से कोई पूछ रहा है तो, ठीक है।